गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू प्रकाश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आप सबकी ठीक ठाक चल रही होगी। सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, इन सारी चीजों को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक हो तुम लोग? एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है? किसी कोई प्रॉब्लम? चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं वो समझ में आ रही हैं? प्रैक्टिस अच्छी है? प्रैक्टिस करके लग रहा है कि नहीं कुछ काम बन जाएगा? बताओ। उम्मीद करूंगा कि अच्छा नंबर लाएंगे आप लोग। उम्मीद करूंगा कि एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। 40 क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलो, कौन कौन आ गया भाई? अंशुमान, किशन, प्रतीक्षा, बबीता, पूजा, कन्नौजिया, पूजा राजभर, खुशबू, प्रिया कश्यप, शालिनी चौहान, नंदिनी वर्मा, अंकिता गुप्ता, वरुण कुमार, अमन खान, कंचन, सतीश, आरती, प्रियांशी, रवि, अनुपम विश्वकर्मा, सलोनी मौर्या, स्नेहा, संजीव कुमार, सचिन, प्रज्ञा सिंह, अनुपमा विश्वकर्मा, ऋतु बिंद, मोनी कश्यप, मुकेश, आंचल कुमारी, पायल, संदीप, फिजा बानो, अमन खान, क्या है, अनन्या सिंह, अमन खान, सरिता प्रजापति, आदिति, शिवांगी सिंह, स्नेहा, रुबीना बानो, अंचल कुशवाहा, सतीश बीएससी। चलो ठीक है, सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अभी क्या करना है हमको? अब हमको लेना है प्रेजेंट कि कौन कौन प्रेजेंट है। तो अभी आप लोग में से बीएससी के लोग सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीएससी का। बीए का कोई भी बच्चा अभी नहीं बोलेगा जब तक कि बीएससी वाले बोल रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। कौन है भाई बीएससी का? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में स्पेशल की, कीबोर्ड पर जो की होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो, किशन कुमार, प्रियांशी। अच्छा किशन, तुमने अभी तक आईडी नहीं बनाई है ना? ठीक है ठीक है। प्रियांशी, प्रियांशी कल आई थी तो थर्ड आईडी क्यों नहीं बना अभी तक? प्रियांशी, आदिति, कंचन। प्रियांशी, आदिति, कंचन, गरिमा, बहुत सही टाइम पे आई, अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी। नंदिनी वर्मा, अमन खान, चलो कहाँ तक हुआ था? अनन्या, फिर उसके बाद सरिता, ऋतु, अंचल, सरिता, ऋतु, अंचल, प्रज्ञा, संदीप, सलोनी मौर्या, प्रतीक्षा भारती, आकाश कश्यप, बबीता, विकास राव गौतम, पूजा, प्रियांशी, अनुपम विश्वकर्मा, संजना, सतीश,
सुधा मुकेश नंदिनी प्रियंका प्रियंका वर्मा। गरिमा हो गया है, कितनी बार बोलोगी? अमित किस क्लास से हो? रुबीना, रुबीना भी है, चलो ठीक है। अच्छा ये जो लोग सेकेंड आईडी से आए हुए हैं, जो लोग सेकेंड आईडी जैसे कि रुबीना टू हो गई, प्रियांशी टू बीएससी टू करके हैं, मुकेश बीएससी टू, प्रियांशी वर्मा बीएससी टू, प्रतीक्षा भारती बीएससी टू, संदीप शर्मा बीएससी टू, अंचल बीएससी टू, ये सभी बीएससी थ्री की आईडी क्यों नहीं बनी है आपकी? अनन्या आपका भी नहीं बना है, सरिता नंदिनी, क्यों, क्या बात है बताओ? चलो बीए वाले प्रेजेंटेशन दो। चलो ठीक है, सतीश हो गया है जी तुम्हारा। बीए वाले कौन कौन है बीए में? अच्छा स्नेहा राम प्रताप, अंचल, अंशुमान, शालिनी, प्रिया कश्यप, फिजा बानो, खुशबू, आरती, पूजा कनौजिया, खुशबू यादव, खुशी मोदनवाल, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात, प्रेजेंट हो। संजना, मोनी कश्यप, अंकिता गुप्ता, पूजा कनौजिया दो बार, प्रिंस यदुवंशी, नाम क्यों नहीं चेंज किया है जी अभी तक तुमने? संजना कुमारी, वरुण कुमार, चलो बीए की संख्या खुद उनके नुकसान का कारण बनेगी। चलो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारी बार अभी। अच्छा चलो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की यानी कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें जितनी भी की होती है उनके बारे में पढ़ने वाले, समझने वाले कि कौन सी की किस तरह से काम करती है और क्या उसका मूल आधार होता है। ठीक है चलो, तो आज की पहली स्लाइड ये है आपकी, ये आपका कीबोर्ड होता है जिसको आप लोगों ने चलाया भी है, आई थिंक आपको प्रैक्टिकल में बताया गया था कैसे चलाया जाता है, ठीक है, किस तरह से इस पर काम किया जाता है और कौन कौन सी की किस काम में ली जाती है। जैसे मैंने आपको कैप्स लॉक के बारे में बताया हुआ है कि कैप्स लॉक से क्या करना है, लेटर को स्मॉल और कैपिटल किया जाता है, आप सबने किया भी है, ठीक है, किया है बताओ। बैक जो स्किप है इसको आपने देखा हुआ है कि इससे क्या करते हैं हम, कोई भी चीज क्या करते हैं, बैक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बहुत कुछ लिख लिया, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप उसको बैक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। डिलीट की होती है, डिलीट किया जा सकता है। एंटर के बारे में आपको बताया गया है कि इंटर क्या होता है, एंटर करने से आप अगले लाइन में चले जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ लिख लिया यहाँ तक, अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ शुरू करना है सेकेंड लाइन से, सेकेंड ड्रॉ से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो ब्लिंक करता है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो ये होती है स्केप की, ध्यान रखना इस कीबोर्ड में कौन कौन सी की हैं, ये आपकी क्या है स्केप की, ठीक है। अगला जो F1 F2 ऊपर आपको दिख जाएगा कीबोर्ड में, ऊपर ही आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह से, हर कीबोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा, इसको कहते हैं फंक्शंस की, जिसमें F1 से लेके F12 तक होता है या 12 तक होता है, ठीक है। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12,
ये 12 तक होता है, जिसको फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहेंगे इसको, फंक्शन की। नोट कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बैक स्किप की आपको पता ही है, जो मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ की होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है, इंड है, पेज डाउन है, पेज अप है, इंसर्ट है, होम है और डिलीट है। इनको नेविगेशन की कहते हैं। ठीक है, कि आप इनसे क्या कर सकते हैं, पेज को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, इंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो इसलिए इसको नेविगेशन की भी कहा जाता है। यहाँ पर एक कोने में आपको न्यूमेरिकल की देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें जीरो डॉट सॉरी जीरो डिलीट होता है, इंटर होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। आपको नंबर लॉक देखने को मिल जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स और होता है कीबोर्ड में, जिसको डायरेक्शनल की कहते हैं। ये डायरेक्शनल की मतलब, आपको अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे रॉम में लिख रखा है, आपको किसी रॉम पहुंचना है, तो ये आपको कर्सर को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, ये वाला नीचे जो तीर होगा, नीचे जिसका निशान होगा, नीचे लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, तो क्या करेगा, सॉरी राइट लेफ्ट, तो मतलब कि ये क्या है, डायरेक्शनल है, दिशा में आपको लेके जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर फंक्शन, जैसे कि मान लीजिए आपका, अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो अलग होगा, एमएस एक्सेल पे काम करें तो अलग होगा, पावर पॉइंट पे काम करें अलग होगा, हर चीज में अलग अलग होता है, सारा कुछ बताया जाएगा। धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, एक दिन में बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, अगर आप सोचें या हम सोचें कि सिर्फ एक दिन में आपको सब कुछ मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। हर नॉलेज का नॉलेज का मतलब होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है, धीरे धीरे अर्जित होता है वो। ठीक है, जैसे आप कभी शीशा, ऐनक, आप लोग देखते होंगे मिनर, उसके सामने खड़े होते होंगे और अपने बाल उल को ठीक करते होंगे, तो कभी कभी देखने को लगता है कि वो मिनर बहुत गंदा मान लो है, तो क्या उस शीशे को आप एक बार किसी चीज से, या कपड़ा, एक बार कपड़े को अगर उसपे हटा दिया, लगा दिया, जैसे एक बार कपड़ा लिया और उसको साफ कर दिया, तो क्या पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा मिनर, क्या शीशा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, नहीं होगा, उसे कई बार रगड़ना पड़ेगा। अब जितनी बार रगड़ोगे, 2 3 4 बार, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसी तरह से इंफॉर्मेशन जो होती है, नॉलेज जो होता है ना, वो अब सोचो कि एक ही बार में मिल जाए, वो संभव नहीं होता, धीरे धीरे किसी चीज को सीखना पड़ता है, एक एक करके। ठीक है, तो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम के बाद आपकी ये क्लासेस बंद हो जाएंगी। अगर आप लोग करना चाहेंगे तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शनल की हो गया। अब ये होता है कंट्रोल की। अब देखो, दोनों जगह पे होता है ये, दोनों साइड में, इसके बॉटम में दोनों साइड में देखने को मिलता है कंट्रोल की। ये आपका विंडो की है, विंडो की जो दोनों साइड में होती है, और आपका ये अल्ट्रा की है, जो कि दोनों साइड में कीबोर्ड पर होती है, इसको स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका स्पेस। ठीक, यहाँ पर आपको शिफ्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों साइड है, ये आपका इंटर है, ये कैप्स लॉक है, जिसके बारे में आपको बताया गया है कि ये क्या करेगा, नंबर्स को बड़ा, कैपिटल को कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। टैब होता है किसी अलग स्टेप में चले जाना, जैसे आप कभी फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, तो अगर आपने माता अपना नाम लिख लिया, तो वहां पे आप इंटर करेंगे तो नहीं हुआ, टाइप कर देंगे तो ये तुरंत दूसरे कॉलम में चला जाएगा, यानी कि फादर नेम में चला जाएगा, फिर टाइप कर दिया तो तीसरे कॉलम में चला जाएगा, तो इस तरह से टैब काम करता है। ठीक है, समझ में आया, इतना इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ आप लोग, किसी को, सिंगल पर्सन को कोई प्रॉब्लम इतने में? अभी आपसे मैं पूछ दूं कि फंक्शंस की क्या होती हैं तो आप बता दोगे, बैक स्किप क्या है उसको भी बता दोगे, नेविगेशन की अगर मैं पूछ लूं तो, नेविगेशन की या फिर एडिटिंग की, दोनों कहते हैं इसको, तो आप लोग बता दोगे। अगर मैं न्यूमेरिकल की पूछूं तो,
बता दोगे, डायरेक्शनल की बता दोगे। अगर मैं ये पूछूं कि डिलीट की कंप्यूटर में कितनी होती है तो बताओ जरा। सॉरी, एक कीबोर्ड में डिलीट की कितनी होती है? डिलीट की तो इन सभी चीजों को पढ़ने वाले आज हम अभी पढ़ेंगे इसको। अभी तो मैंने सिर्फ ये दिखा दिया आपको, अभी आगे चल के और पढ़ेंगे इसको, बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। चलो अब देखो, कुछ स्पेशल की जो होती हैं उनमें सबसे पहला है, कुछ इतने की आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं समझते हैं। फंक्शंस की हो गया, कंट्रोल की हो गया, एस्केप की हो गया, कंट्रोल की यहाँ पे है, फिर शिफ्ट की हो गया, इंटर हो गया, टैब हो गया, इंसर्ट की हो गया, डिलीट हो गया, स्क्रॉल लॉक की हो गया, नॉर्मल लॉक की हो गया, कैप्स लॉक की हो गया। ठीक है, और आपका प्रेट सॉर्ट यानी कि प्रिंटिंग करने के लिए दो होती हैं ब्रिजेस, डिलीट की दो होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो दिखाऊंगा इसमें, जिसमें मैं डबल ट्रिक कर रहा हूँ स्पेशल की में, उसको नोट कर लीजिए। पहला तो फंक्शन की, दूसरा तीसरा स्विफ्ट की, चौथा नहीं, रहने दो रहने दो, यहां से मत कुछ नोट करो। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। ठीक है, ब्लर नहीं है जी, कहाँ ब्लर है, इतना क्लीन दिखेगा अगर आप वो कर लें तब। ये टाइप किया गया, कॉपी थोड़ी किया गया कि ब्लर होगा। कहाँ ब्लर दिख रहा है बताओ। ब्लर दिख रहा है, इसको ब्लर कहते हैं, ये ब्लर दिख रहा है आपको, पूरी की समझ में आ रही है। जो कुछ भी लिखा रहेगा वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिजुलेशन बढ़ाओ, अब बिल्कुल 140 पे करके देखोगे तो कहाँ से होगा, ब्लर दिखेगा ही ना। 144 पे करके देखोगे तो क्या होगा। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शंस की। ठीक है, क्या है फंक्शंस की, तो फंक्शंस की को क्या कहते हैं, 1 से 12 तक की जो संख्या होती है, F1, F2, F3, F4, 5 करके लिखा होता है, उसे कहते हैं हम लोग फंक्शन की। ठीक है, हाँ बिल्कुल आदिति, अगली क्लास उसी की है, कल की क्लास जो है ना वो शॉर्टकट की ही है, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, पहले की तो समझ जाओ, फिर शॉर्टकट की पढ़ते रहना। ठीक है, F1, सब यही है आपका, देखो F1 है, F2, F3, F4, F5, F6, F11, ये इंपॉर्टेंट कीज हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहता है कि हेल्प के लिए, सहायता के लिए फोन का प्रयोग आप कर सकते हैं, म्यूट करने के लिए शिफ्ट के साथ एफ फोन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको म्यूट करना है सिस्टम को अपने, तो यह फोन का प्रयोग आप शिफ्ट के साथ करेंगे ना तो वो म्यूट हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने के लिए यानी कि कह सकते हैं कि किसी चयनित फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, किसी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए उसमें क्या करना है, F2 कर सकते हैं आप, या फिर शिफ्ट के साथ F2 करेंगे तो जो वॉइस है वो कम होने लगेगी, माइनस होने लगेगी। ठीक है, वॉइस क्या होगी, माइनस होगी। फाइल को ओपन करने के लिए, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए, ओपन द फाइल सर्च बॉक्स F3 का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो उसका सर्च बॉक्स यूज करने के लिए आप F3 का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट के साथ F3 का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, उसमें आपको
जो वैल्यूम है आपके सिस्टम की आवाज है वो क्या करेगी, बढ़ाने के लिए कहेगा, ठीक है। या फोर का प्रयोग आप कर सकते हैं किसी भी एड्रेस बार या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, क्या करने के लिए, किसी विंडोज एक्सप्लोरर को या फिर एड्रेस बार को ओपन करने के लिए या फोर का प्रयोग आप कर सकते हैं। या फाइव की बात कर ली जाए तो जो स्क्रीन होती है, उसकी लाइट को कम करने के लिए, स्क्रीन की लाइट जो ब्राइटनेशन होता है उसको कम करने के लिए भी यूज किया जाता है और विंडोज एक्सप्लोरर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। F6 की बात कर ली जाए तो ये नेविगेशन करता है, किसमें, सेशन में, डिफरेंट सेशन में, आपको अलग अलग सेशन में लेके जाएगा, ठीक है, ये F6। और अगर इसको शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो जो लाइट है, जो ब्राइटनेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है 11 नंबर, जो कहता है कि ओपन फुल स्क्रीन मोड इन एक्सप्लोरर। अगर आप F11 करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन फुल मोड में एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। फ्लाइट मोड में करना है F8 कर सकते हैं आप, स्क्रीन को हाफ करना है F7 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी देखने को मिल जाती हैं। हो गया, समझ में आया है सारा। ठीक, चले आगे। चलो देखो, ये है आपका फंक्शंस की, ठीक है, कितनी होती है ध्यान रखना, तो 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। और इनका जो लोकेशन होता है कीबोर्ड में, ध्यान रखना हमेशा कीबोर्ड में इनका लोकेशन ऊपर ही देखने को मिलेगा आपको। कहाँ देखने को मिलेगा, ऊपर टॉप में। आशुतोष आशीर्वाद कैसे हैं, ये कहाँ मिलेंगे देखने को, ये मिलेंगे आपके बिल्कुल टॉप में, ऊपर कीबोर्ड के टॉप में देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। चलो कुछ इस तरह से देखो, F3 को प्रेस कर रहा है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप F3 को प्रेस करेंगे तो ये अपना एक्टिविटी दिखा देगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं, कर्सर कंट्रोल की। तो कर्सर कंट्रोल की में बहुत सारी की आती हैं जिनको एक एक करके समझना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है। अब कहता है अप एरो की, दूसरा है डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की और इसके बैक की, ठीक है। एक एक को समझते हैं बड़े ध्यान से। सबसे पहला आपके सामने है जो कंट्रोल की है, तो कंट्रोल की का मतलब होता है कि फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम, जिसमें हमने बताया आपको ये सारी की आती है, इनको नोट कर लीजिए। तो कर्सर कंट्रोल की में कौन कौन सी आती है, इनको नोट करिए फटाफट। कर्सर कंट्रोल की, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को दोबारा देखना, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। नोट हो जाए तो मुझे अपडेट करिए। अनुराग बताते हैं, सबका बताते हैं कि इनका वर्क क्या है, पहले आप नोट तो कर लीजिए। उसीलिए बैठा हूं बेटा, बताने के लिए बैठा हूं, डोंट वरी। मेरे कंटेंट में वो नहीं रहता है कि मैंने सिर्फ पढ़ा दिया निकल गया, मैं एक एक चीज को दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो बने रहा करिए क्लास में, पेशेंस के साथ, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलो नोट हो जाए तो बताओ, नोट हो जाए तो डन कर देना।
बहुत बढ़िया सोनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनी मोदनवाल, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सोनी को क्यों वेरी गुड कह रहा हूं, मैं उसने लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया। थैंक यू राम प्रताप। चलिए तो आपको हम लोग देखते हैं। अब कंट्रोल की में भी देख लो, स्पेशल की होती है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं जो शिफ्ट है इसको भी कंट्रोल की कहा जा सकता है, क्योंकि इसके साथ कई की को मिला के हम कुछ और की बनाते हैं। ठीक है, एस्केप हो गया आपका, स्विफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो की है, अल्ट्रा है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इंपोर्टेंट कंट्रोल की में आते हैं। ठीक है, ये सभी कंट्रोल की में आते हैं। और कर्सर कंट्रोल की बात कर ली जाए तो कर्सर कंट्रोल की में सबसे पहले आ जाता है आपका ESC की। अब इसका काम क्या है भाई, क्यों ESC की का उपयोग हम लोग करते हैं, तो ESC की क्या होती है, तो इस कुंजी को कोई भी ऑपरेशन जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, करेंटली जिस पर काम कर रहे हैं उसको अगर आप रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसको की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रिबूट कर देगा, खत्म कर देगा, बिल्कुल जो भी फंक्शंस आपके होंगे उसको क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो आमतौर पर इसका जो प्रेजेंट ऑपरेशन होता है उसको कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए या बंद करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस की को जल्दी टच मत करिएगा, ठीक है, क्या नहीं करना है, इसको टच नहीं करना हमेशा। चलो कह सकते हैं हाँ, ठीक है, देखो ध्यान से इस तरह से अगर इसको प्रेस कर दिया, ESC है ना, अगर इसको प्रेस कर दिया तो आपका सारा वर्क, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, चलो आगे आता है शिफ्ट की। अब शिफ्ट की क्या होता है भाई, तो इसको मॉडिफाई की ऑन कीबोर्ड भी कहा जाता है, तो मॉडिफायर की ऑन कीबोर्ड, परिवर्तन कुंजी भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखना है, संशोधक कुंजी भी कहा जाता है। स्विफ्ट के साथ अगर किसी भी अक्षर को, जैसे स्विफ्ट के साथ, अगर स्विफ्ट के साथ यस को दबाते हैं तो अगर कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, लिखते समय तो स्विफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इनको अक्षरों का वैकल्प होता है इसमें, ठीक है, इसको टाइप करने के लिए किया जाता है। और आपने देखा होगा कि ये नीचे की तरफ, ठीक है, जो स्विफ्ट होता है वो टू बटन होती है, इसमें दो की होती है, ठीक है, जो लेफ्ट राइट साइड में बिलो बॉटम होम रो में देखने को मिल जाती है। ठीक है, कहाँ देखने को मिल जाती है, ये देखो होम रो, इसको होम रो कहते हैं। अब यहाँ पर कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, दो स्विफ्ट, एक स्विफ्ट यहाँ है और दूसरी स्विफ्ट यहाँ है, ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आ गया। शिफ्ट, तो शिफ्ट बटन कितनी होती हैं, दो होती हैं, कौन कौन सी, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है, दोनों होम रो में होती हैं। होम रो क्या है, होम रो इसी को कहते हैं, ठीक है, तो दोनों की होती हैं आपके सामने, टू की होती हैं, ध्यान रखना कि शिफ्ट की कितनी होती है, टू होती है। चलो बहुत बढ़िया, इंटर की बात कर लेते हैं। इंटर की के बारे में आप जानते हैं, इंटर की क्यों प्रसिद्ध है, इंटर की क्या करती है कि आपको किसी भी पंक्ति की शुरुआत से लेकर के, अगर आप किसी पंक्ति को खत्म कर चुके हैं, यानी कोई लाइन है जिसमें आप लिख चुके हैं और उस लाइन को क्या करना है, आपको चेंज करके नीचे आना है, तो आपको इंटर की करना होगा। आप सभी ने किया हुआ है, किया है, किया है ना इंटर की, तो इंटर की क्या करता है, मूव करा देता है, कर्सर को मूव कराने का काम करता है नेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, दूसरे फील्ड में कर्सर को मूव कराने का काम करता है एंटर की। ठीक है, जैसे एंटर किया लाइन चेंज हो गई आपकी, ठीक है, देखो एंटर की दो होती है, कौन सी होती है, कितनी होती है, दो होती है, एक न्यूमेरिकल की में होती है, न्यूमेरिकल की में भी यहाँ एंटर है और यहाँ पर आपका यहाँ तो है ही है, ठीक है, तो कितनी होती है कीबोर्ड में भी, कीबोर्ड में
कितनी इंटर की होती है? दो इंटर की होती है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं टैब की। अब टैब की क्या काम होता है भाई? तो अगर आप टैब की को देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब कोई फॉर्म वगैरह आप फिल करते हैं, जब भी कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बॉक्स टू बॉक्स फिल करना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं, तो अगर एक्सेल पे काम करें तो उसमें बॉक्स बॉक्स बना होता है। अब उसमें अगर आप टाइप करेंगे तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मूव कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, जैसे फॉर्म एप्लीकेशन करते समय, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। सबसे पहले आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, आपका जेंडर होगा, आपके माता का नाम हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका ईमेल होगा। तो आप अपना नाम लिखने के बाद टाइप करेंगे तो आपके माता के नाम, यानी नेक्स्ट स्टेप जो भी उसका अगला स्टेप होगा उसी पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टाइप की काम करता है, जो कि यहां पर होता है, आपको देख लेना। हमेशा टाइप की एक ही होता है कंप्यूटर में, टाइप की एक होता है जो कि आपके जो क्यू है, क्यू के बगल में होता है और ई एस सी की के नीचे होता है, आपको देखने कैप्स लॉक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना इसका डायरेक्शन कहां है, तो ई एस सी की है जो उसके नीचे है, क्यू के साइड में बगल में है और कैप्स लॉक के ऊपर है, ठीक है। यही इसका लोकेशन है। क्लियर, डन, समझ में आ गया? आगे बढ़े, बताइए। सभी को समझ में आया? कोई ऐसा सिंगल पर्सन जिसको ना समझ में आया हो? गुड, बहुत बढ़िया। अगले स्टेप में जाने के लिए, ठीक है, चलो अब डिलीट की बात कर लें। आप सभी जानते हैं इसको, डिलीट की क्या होती है कि अगर आपने कुछ वर्ड लिख रखा है, कुछ भी आपने लिख रखा है, तो उसको अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल ए करिए, सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कर दीजिए, काम खत्म। अगर मेरे पास जो फाइल मेरे सामने दिखी गई है, अगर मुझे इसको डिलीट करना हो तो मैं क्या करूं, ये पेज पर कंट्रोल ए कर दूं, कंट्रोल ए करते ही सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही सब सेलेक्ट हो जाएगा डिलीट की को प्रेस कर दूं मैं, पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और डिलीट की होती है दो, डिलीट की कितनी होती है आपके नॉर्मल कीबोर्ड में? दो होती है, एक तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इस कॉलम को क्या कहते थे? मॉडिफायर की यही था ना? नहीं, तो शिफ्ट था मॉडिफायर की। टैब, सुनो कंचन कंचन, होल्ड डाउन, मैं बताता हूं अभी। टैब की को मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, रुके रहो आप लोग। चलो गुड, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लिया करो। चलो मैं दिखाता हूं तुम लोग को टैब की करके। देखो यहां सामने देखो, तुम्हारा क्लास का शेड्यूल है ये, ठीक है। अब मान लो मैं एक पेज और ले लिया यहाँ पे, अब मुझे टाइप करना है, मेरे पास छोटे छोटे कॉलम दिख रहे हैं। हाँ, नेविगेशन, बिल्कुल, एडिटिंग और नेविगेशन क्या है, मैंने कॉलम ले लिया। अब अगर मैं टाइप को प्रेस करता हूं तो देख रहे हैं बॉक्स कैसे चेंज हो रहा है, अगले स्टेप में चला जा रहा है। ये नहीं है कि ए से उठ के डायरेक्ट एच में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं टाइप प्रेस करूंगा तो ए के बाद बी में जाएगा, फिर उसके बाद टैब प्रेस कर रहा हूँ, फिर टैब, मतलब जितनी बार मैं टैब प्रेस करूंगा वहां पर क्या होगा कि अगले स्टेप में चला जाएगा, अपने अगले कॉलम में ही जाएगा, न कि अगला कई कॉलम क्रॉस करके जाए, ठीक है। तो अपने अलग अलग कॉलम में पहुंच जाएगा ये, ठीक। चलो आई होप समझ गए होंगे आप। तो डिलीट कितनी होती है? डिलीट भी टू होती है, वन और टू, ठीक है। एक न्यूमेरिकल की में होती है, एक नेविगेशन और एडिटिंग में।
बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ, अब ये क्या होता है कि स्क्रॉल लॉक कुंजी क्या होती है, स्क्रॉल लॉक की क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। स्क्रॉल लॉक कुंजी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को चलने से रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो आप स्क्रॉल लॉक कुंजी दिया होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं, वो चीजें वहीं स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है, रुक जाएंगी। स्क्रॉल लॉक मतलब जो मूव कर रहा है आपका कर्सर, टेक्स्ट कुछ भी, उसको मूव करने से रोका जा सकता है, आराम से स्टेबल कर दिया जाएगा, ठीक है, वो स्टेबल कर देगा बिल्कुल। अब जैसे एक्सेल में ही आप उपयोग कर रहे हैं इसका, तो एक्सेल में उपयोग करने के लिए बहुत आसान होता है, जो तीर होती है ना वो क्या करती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो तीर कुंजी को दबाते हुए स्क्रॉल लॉक कर देने से जो स्क्रीन हिल रहा होता है वो रुक जाता है, ठीक है, वो स्क्रीन हिलना रुक जाता है, तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, ओके। देखो यहां पे दिया होता है आपका स्क्रॉल लॉक की। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर लॉक की बात कर ले तो, सॉरी न्यू लॉक की बात कर ले तो, जो न्यू लॉक की है, अगर आप इसको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की है, वो सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे, ये जितने भी फंक्शंस है, अगर आपने इसको प्रेस कर दिया तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस है सारे काम करने बंद हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल लॉक की अगर प्रयोग कर दिया आपने तो ये जितने भी हैं, न तो आपका जीरो काम करेगा, न तो डिलीट काम करेगा, न इधर का एंटर करेगा, ना प्लस करेगा, ना माइनस करेगा, नहीं होता तो सब में है, होता तो सब में है, होता सब में है, बट एक्सेल इसका एक उदाहरण अच्छा था, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये जितनी भी न्यूमेरिकल की हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी, ये काम ही नहीं करेंगी, ना तो इन पे आप कुछ टाइप करेंगे तो होगा, कोई भी फंक्शंस काम नहीं करेगा, इतने पार्ट का कीबोर्ड का, इतना पार्ट मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे अगर हमें ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमारी जो तंत्रिकाएं हैं उसको उस पार्ट में जाने से रोक देता है, एक इंजेक्शन के थ्रू। हमारे मान लीजिए कि यहाँ हमें ऑपरेशन कराना है मेरे हाथ पे, तो डॉक्टर क्या करेगा, यही एक इंजेक्शन पिन करेगा और उससे इतने दूर आने वाली कोशिकाओं को रोक देगा, कोशिका तंत्र जो होती हैं उनको रोक देगा। जैसे ही वो कोशिकाओं को रोकता है तो यहाँ पर क्या होता है, हमें पेन होना बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप न्यूमेरिकल की लॉक की का प्रयोग कर देते हैं तो ये इतने दूर के फंक्शन को क्या कर देगा, बिल्कुल स्टॉप कर देगा, रोक देगा, ठीक है। देखो जो न्यूमेरिकल की ऑफ हो जाएगा ना तो ये काम ही नहीं करेगा, लाइट जलती है ना, एक न्यूमेरिकल की में ही लाइट होती है, देखो मैंने ऑफ कर दिया, स्क्रीन पे दिख रहा है, चलो मैंने अपने इस ऑन कर दिया इसको, अब मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ, देखा, जैसे लॉक करोगे तो कुछ इस तरह से नंबर्स वाले सिस्टम पे आपके क्रॉस बन के आ जाएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं अभी लॉक कर रहा हूँ, अनलॉक कर दिया मैंने, दिखा आपको, जैसे मैं इसको अनलॉक लॉक करूंगा ये नंबर की अपने आप क्रॉस दिखाएगा, और यहाँ पर एक लाइट छोटी सी होती है, इसी बॉक्स में एक छोटी सी लाइट होती है जो क्या करती है, अगर आप इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, चलो। अब कैप्स लॉक जो होता है, कैप्स लॉक क्या है, कैप्स लॉक को आप लोग जानते हैं, नंबर को क्या करना है, बड़ा और छोटा करने के लिए, अक्षर को कैपिटल और स्मॉल करने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, किसके लिए, कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए इतना कि अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो आप जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल में लिखा, सॉरी कैपिटल में लिखा जाएगा, और कैप्स लॉक बंद कर देंगे तो स्मॉल में लिखना शुरू हो जाएगा। ये होती है आपकी कैप्स लॉक की, सिर्फ एक की होती है कैप्स लॉक की, किसमें, अब कैप्स लॉक ऑन होगा तो यहाँ लाइट जल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर लाइट जल जाएगी, कैप्स लॉक ऑन हुआ लाइट जल जाएगी, कैप्स लॉक ऑफ हुआ लाइट बुझ जाएगी, लाइट होती है एक लगी होती है छोटी छोटी, ठीक है। तो कैप्स लॉक क्या करता है, नंबर को
और सबसे इम्पोर्टेंट है एक आपका प्रिंट एंड स्क्रीनशॉट करके होता है, ठीक है, प्रिंट भी होता है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने कंप्यूटर का। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का जो स्क्रीनशॉट है, हर कीबोर्ड में नहीं होता सबसे पहले तो, ठीक है, ठीक है, वो हर कीबोर्ड में नहीं होता है सबसे पहली बात। कैप्स लॉक की जो होती है हर कीबोर्ड में नहीं होती है, सॉरी स्क्रीनशॉट की हर कीबोर्ड में नहीं होती है, मगर इसको आप चाहें तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं चीजों को। जैसे मैं अगर मैं इसका प्रयोग करता हूँ तो कुछ इस तरह से फंक्शंस आएंगे। अब क्या करना है मुझे, सेव टू ड्राइव, मेरी स्क्रीन जो हो जाएगी, स्क्रीनशॉट लेने की बात कर रहा है, गेट टू योर स्क्रीनशॉट ऑन ऑल योर डिवाइस, जो भी मेरे पास सामने है उसका स्क्रीनशॉट लेने की बात कर रहा है। मैंने अभी उसको प्रेस किया है, ठीक है, जो कि आपके सामने होती है यहाँ पर, तो ये क्या करती है, प्रिंट भी करती है और स्क्रीनशॉट का भी काम करती है, ठीक है, प्रिंट भी लेने के लिए यूज में लाया जाता है इसको और स्क्रीनशॉट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब कल हम लोग की जो क्लास होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि शॉर्ट की क्या है, जैसे कंट्रोल के साथ ए प्लस करने पे क्या होगा, सेलेक्ट, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा पूरा पेज, ठीक है, जो कंटेंट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस बी कर देंगे तो ब्लर हो जाएगा, हाईलाइट सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स कट का हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन ओपन हो जाएगा, न्यू ब्लॉक या फिर बैंक डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ क्या हो जाएगा, ओपन ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी करने के बाद प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सेव करने के बाद फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल वी कर देंगे आप पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से अंडू करके वापस हो जाएगा, ठीक है, लास्ट एक्शन पे पहुंच जाएंगे आप। तो ये सारी चीजें कल आपको बताई जाएंगी एक एक करके, ठीक है, विद पिक्चर विद जीआईएस। सो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं छोड़ेगा, और जो लोग नई आईडी से आज क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सभी लोग को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं सब लोग क्लास को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक सब लोग करके जाएंगे, कोई भी बिना लाइक की नहीं जाएगा, इतना तो करके जाना तुम लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद जाइए, क्लास आज की समाप्त हुई। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताओ, अभी क्लियर कर देता हूँ, अदरवाइज फिर मत कहना कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, तमाम किस्म की चीजें मत बताना, ठीक है, क्योंकि मैं सारा कुछ एक एक करके बता दिया हूँ। इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, क्योंकि इसमें आपका सब कुछ है, फंक्शंस की भी है, बैक की भी है, नेविगेशन एंड एडिटिंग की भी है, न्यूमेरिकल भी है, डायरेक्शनल भी है, सारी की है, ठीक है, तो इसका तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लो। अभी तक 40 लोग लाइव हैं और 21 लाइक है, कितना बात मानते हो तुम लोग मेरा जी, अपने एजुकेटर की बात तो सुना करो, अगर कुछ कह रहे हैं तो, अगर तुम्हारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बताओ, कुछ खर्च हो रहा है तो बताओ, इसमें खर्च नहीं हो रहा ना, लाइक करने में कुछ खर्च हो रहा है तो बताओ, नहीं होगा, नो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल फ्री है, और आपका समय भी बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड लगेगा, फिर भी आप लोग अपना डेडिकेशन नहीं दिखाते हो। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी जिन लोगों की क्लास 8 बजे से है वो फटाफट क्लास के लिए निकले, निकल भी चुके होंगे बहुत लोग, बीए वालों का आज है, लिस्ट पहले ही दे जा चुकी है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलो फिर मिलते हैं हम लोग, हो सकता है शाम की क्लास में आप लोग सब लोग जरूर आना, 7 PM की क्लास, 7 PM की क्लास में आप सभी जरूर आएंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर क्लास होती है वो, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है वो, उस क्लास में जरूर आया करिए, 7 बजे वाली क्लास में तो सभी लोग जरूर आया करिए, ठीक है, ओके संजीव, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक फॉर कमिंग दिस।